फॉर एग्जाम्पल सेलेक्टिव मीडिया एक बैक्टीरिया ये मेरे पास एक पेट्री डिश है ठीक है।
अगर मैं वायरस का लूँ तो वायरस कल्चर
आइसोलेटेड कॉलोनी, हम उस प्लेट के अंदर इनकी ऐसे ग्रोथ कराएंगे कि लास्ट में सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की कॉलोनी, एक आखिरी सेल्स वालों के एक जैसे सेल की सिर्फ कॉलोनी बनने के पीछे वो सारे सेल्स को छोड़ आएंगे। वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कैसे करना है। वन और मोर कॉलोनीज विल बी वेल सेपरेटेड फ्रॉम ऑल अदर एंड डिपेंडेंट एज अ सोर्स ऑफ प्योर कॉलोनी, प्योर कल्चर, मतलब वो एक अलग कॉलोनी की तरह बन जाएंगे। सिर्फ आखिर में हम बैक्टीरिया कॉलोनी को निकाल लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक पेट्री डिश है, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ करना है। मैं आपको बता देती हूँ स्टेप, मटेरियल क्या क्या। सबसे पहले हमने एक लेनी है स्ट्रीक प्लेट, ठीक है। स्ट्रीक प्लेट क्यों होती है, एक पेट्री डिश टाइप होता है, एक प्लेट सी होती है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज हमने लेनी है न्यूट्रिएंट एगर प्लेट, जिसमें एगर डाला हो। एगर में क्या क्या होता है, एगर में पेप्टॉन वाटर होता है, मीट होता है, ठीक है। ये चीज एगर बनती है, मतलब एक न्यूट्रिएंट है, मिक्सचर ऑफ थिंग्स का एक न्यूट्रिएंट है, एगर बनता है, ठीक है। अब एक ऐसी एक खाली पेट्री डिश लेनी है जिसमें हमने स्ट्रीक बना लिया, और एक ऐसी पेट्री डिश लेनी है जिसमें न्यूट्रिएंट एगर होगा, ठीक है। उसके बाद बंसन बर्नर कैंडल ले लो, समझ लो, ठीक है, जिसमें से आग निकलती है। और बैक्टीरियोलॉजिकल लूप, इंकुलेटिंग लूप, जो एक प्लेट से दूसरी प्लेट न्यूट्रिएंट्स को या कल्चर को लेके जाती है, ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। अब टू स्ट्रीक अ प्लेट, एक प्लेट के ऊपर स्ट्रीक बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स, हमें क्या क्या करना होगा। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप तो ये है कि एग्जामिन दी स्ट्रीक प्लेट एंड लोकेट अ नंबर ऑफ वेल आइसोलेटेड कॉलोनीज, ठीक है। अब मैंने एक प्लेट ली है, ठीक है, उसके अंदर मैंने ना डाली है डिफरेंट माइक्रोनिज्म, डिफरेंट कॉलोनीज। मेरे पास माइक्रोनिज्म का एक कल्चर था जिसके अंदर बैक्टीरिया भी था, फंजाया भी था, वायरस भी था, सारा कुछ था। वो मैंने अब लिया हुआ, ठीक है, उसके मैंने प्लेट के ऊपर मैंने वो लगा दिया, उसमें मैंने एगर भी डाल दिया। एगर डालने के बाद उसको मैंने सुखाया है दो तीन मिनट। सुखाने के बाद मैंने उसके ऊपर कोटिंग कर दी है इंकुलेटिंग लूप से, ये लूप है, ठीक है। इस तरह करके इसको हाथ से पकड़ते हैं, इससे वो हम लोग एगर को टच करके फिर पूरी प्लेट पे फैला देते हैं, ठीक है। उसको फिर मैं बंसन बर्नर के ऊपर दोबारा गर्म करूंगी ना, तो जब गर्म करूंगी ना, तो फिर मैं जब दूसरी प्लेट के ऊपर उसको ट्रांसफर करूंगा, तो वो इस तरह करके ना स्ट्रीक्स बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। लास्ट पे आके ना यहाँ पे आके डॉट 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 शुरू हो देंगे। पहले यहाँ पे यूं समझ लो सारे दूसरे माइक्रोऑर्गेनिज्म आ गए, लास्ट में मैंने क्या निकालना था, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया डॉट डॉट की शक्ल में आखिर प्योर कॉलोनी निकल आती है। पहले वो पीछे सारे दूसरे माइक्रोऑर्गेनिज्म को छोड़ा था, जितने भी दूसरे माइक्रोऑर्गेनिज्म थे ना उस कल्चर के अंदर, संजाई वगैरह, वो सबको पीछे छोड़ा था, सेपरेट कर देता है उनकी कॉलोनीज को, पीछे छोड़ा था, बैक्टीरिया को अलग कर देता है, बैक्टीरिया को आखिर में छोड़ आता है, जो आखिर में चीज बचती है बैक्टीरिया। बेसिकली ये प्रोसीजर है सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को निकालने के लिए। प्योर कल्चर सारे के सारे जितने भी होंगे, ये प्योर कल्चर होगा बैक्टीरिया का, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बैक्टीरिया बचेंगे, पीछे जितने माइक्रोऑर्गेनिज्म होंगे वो पीछे छोड़ा ले। इस सारे मेथड को कहते हैं स्ट्रीक मेथड, ठीक है। अब नाउ यू, अब ये स्टेप्स मैं आपको एक ही बार बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार हम लोग रीड भी कर लेते हैं। नाउ यू मस्ट ट्रांसफर अ पोर्शन ऑफ ईच यूनिट टू अ सेपरेट एगर प्लेट। एक बार हमने स्ट्रीक प्लेट लेंगे और एक न्यूट्रिएंट एगर वाली प्लेट लेंगे जिसमें हमने न्यूट्रिएंट सेपरेट किया हुआ था। टू पिक अ कॉलोनी यूज इनोकुलेटिंग लूप। इनोकुलेटिंग लूप आप लोग मैंने बता दिया इस तरह का होता है, इसके ऊपर हम लोग एगर वाली प्लेट से एगर लेते हैं और स्ट्रीक वाली प्लेट के ऊपर खिलाते हैं। चम्मच टाइप समझ लो, चम्मच को उल्टा करो ना तो ये बन जाता है, वो इस तरह हम लोग करते हैं। हैंड्स को हम यूज नहीं करते, माइक्रोऑर्गेनिज्म और डिजीज कॉज कर सकते हैं, इस तरह के छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं चीजों को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। अब स्टेप क्या है, स्टेरिलाइज दी लूप। पहले हमने इसको स्टेरिलाइज करना है। स्टेरिलाइज कैसे करते हैं, पहले डिस्टिल वाटर से धोते हैं, धोने के बाद उसको हीट करते हैं तो स्टेरिलाइज हो जाता है, मतलब बिल्कुल जरासीम से पास, मतलब उसके ऊपर पहले से कोई और माइक्रोऑर्गेनिज्म अवेलेबल नहीं है इंकुलेटिंग लूप के ऊपर, ठीक है। इन दी बंसन फ्लेम एट लेट कूल 3 to 5 seconds, देन टच, पहले उसको आग पर रखो और उसको फिर 3 to 5 seconds के लिए ठंडा होने दो, देन टच एंड ऑफ दी लूप टू आइसोलेट कॉलोनी पिकिंग अप माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रॉम दी कॉलोनी। अब कॉलोनी में से जो इधर हम लोगों ने रखा हुआ था, इधर हम लोगों ने सारा वो कल्चर रखा हुआ था मिक्स ऑर्गेनिज्म का कल्चर, हमने इसको स्टेरिलाइज किया। इसको पहले हमने गर्म किया और गर्म करने के बाद 3 to 5 minutes इसको ठंडा किया। ठंडा करने के बाद हमने यहाँ से लग किया पिक करने के लिए, माइक्रोऑर्गेनिज्म को पिक करके हमने इस स्ट्रीक वाली प्लेट के ऊपर डालना। नाउ कवर दी स्ट्रीक प्लेट एंड पिक अप वन हैंडेड प्लेट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने स्ट्रीक प्लेट को कवर कर देना है। इसके ऊपर मैंने लगा दिया, फैला दिया इंसुलेटिंग लूप से सारा वो जो कल्चर था। फैलाने के बाद मैंने इसको कवर कर दिया, इसको बंद कर दिया, थोड़ी देर के लिए रख दिया। रिमूव द लिड फ्रॉम द प्लेट, प्लेस द इंसुलेटिंग एट वन एज ऑफ द प्लेट एंड विद अ
हमने एक दफा सारा प्रोसीजर कर लिया यहाँ तक, लेकिन वो कहता है एक बार दोबारा आप लोगों ने रिपीट कर देना है कि मतलब दोबारा से लिड मतलब ढक्कन आप लोगों ने दोबारा खोलना, दोबारा एक बार इंसुलेटिंग लूप खिलाना है उसके ऊपर खिलाना है, फिर उसके बाद दोबारा उसको गर्म करके ठंडा करके फिर एक बार आइसोलेशन कर लेनी है ताकि वो बिल्कुल ही आखिरी हद तक जितने भी सारे बैक्टीरिया वो लास्ट लिमिट तक पहुँच जाए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे रिप्लेस द लिड, लिड को हम लोग हटाएंगे, उसके बाद फ्लेम दी लूप एंड प्रोसीड ऑफ इंसुलेटिंग अनदर प्लेट फ्रॉम डिफरेंट क्लोनीज। तो हम डिफरेंट क्लोनीज को अलग कर देंगे उससे फिर से बैक्टीरिया की क्लोनी बन जाएगी। इनक्यूबेट दी प्लेट्स इन दी 37 डेज इंक्यूबेटर, फिर 24 घंटे के लिए हम लोग इंक्यूबेटर के अंदर रख देंगे। एक मशीन होती है जिसके अंदर हम वो प्लेट रखते हैं, फिर हम बैक्टीरिया वहाँ से हासिल कर लेते हैं। आज का लेक्चर इतना ही, नेक्स्ट मेथड हम लोग नेक्स्ट